Hello everyone, welcome all to our YouTube channel. Hope you all are doing great. आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेल्फ डिफेंस. सेल्फ डिफेंस पे एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब भी आप किसी मेल अटैकर से फाइट कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप ग्रोइन पे हिट करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसे कौन कौन से अटैक है जो कि आप उस सिचुएशन में कर सकते हो और ऐसी कौन सी टेक्निक है जिनका यूज़ करके आप इजीली उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो. हो सकता है वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल ना हो कि सामने वाला बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए, लेकिन डेफिनेटली आप जितनी भी पावर से यूज़ करो वो इतना ज़रूर होएगा कि सामने वाला कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, ये श्योर है. तो अभी हम कवर कर रहे हैं ग्रोइन अटैक. टिपिकली इस वीडियो में सिर्फ ग्रोइन अटैक की बात कर रहे हैं हम लोग. तो सबसे पहले जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी आप अटैक की बात कर रहे हो तो अटैक का मतलब आपको समझना होगा. पहली बात कि अटैक उस सिचुएशन में करना है जब कोई भी आपको फिजिकली हार्म कर रहा है, कि आप किस टाइम पे किस तरीके से एक्ट करोगे वो आपको डेफिनेटली चेक करना है, ताकि कहीं आप ही खुद किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाओ. तो इसीलिए तो जब भी आप ऐसा अटैक दे रहे हो जो लीथल है, डेथ भी हो सकती है सामने वाले की, तो मेक श्योर कि वो सिचुएशन भी ऐसी होनी चाहिए. तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको खुद को बचाने के लिए सामने वाले को हर्ट करना ही पड़ेगा, उस टाइम पे आप कैसे एक्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले ग्रोइन अटैक बेस्ट ऑप्शन है मेल्स के काम में. वो क्यों है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं. तो यही एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप वहाँ पे थोड़े से लाइक हल्की सी पावर से भी हर्ट कर देते हो तो उनके लिए वो अनबियरेबल होता है. तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से हम हमेशा ही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उस सिचुएशन से बाहर आना है तो आपको ग्रोइन अटैक यूज़ करना है. तो ग्रोइन अटैक जब भी आप किसी के ग्रोइन पे हिट कर रहे हो, मेल के वीक पार्ट पे हिट कर रहे हो, तो उसको अटैक करने का तीन तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट वन इज़ यूज़ नी. नी का यूज़ करोगे हिट नी. सेकंड वन इज़ किक. किक में आप यहाँ से सर्च किक उठाओगे हिट एंड गेट बैक. वो तब है अगर आपके पास में थोड़ा डिस्टेंस है, आप बंदा थोड़े इतने डिस्टेंस पे है कि आप ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन थोड़ा गैप है, तो यहाँ से हिट करोगे डेफिनेटली अनबियरेबल है. सेकेंडली थोड़ा गैप है कि आप पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो और वो आगे आने की कोशिश, यहाँ से हिट एंड गेट बैक. यहाँ से हिट एंड गेट बैक बहुत ही पावरफुल अटैक है. तो अभी नी अटैक की बात करें, जब भी आप नी अटैक दे रहे हो आपको अपने हिप से पावर यूज़ करनी है, अटैक एंड गेट बैक. तो जब आप फर्स्ट किक दे रहे हो या फिर ऐसी किक दे रहे हो कि आप थोड़ा डिस्टेंस पे हो उस टाइम पे किक दे रहे हो, तो ध्यान देना है आपका टो अटैक टो हिट नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए तो तभी आपको कोशिश करनी है कि जब आप अटैक दे रहे हो एंकल से हिट करो अटैक. लेकिन इस सिचुएशन में हो कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज उसने ग्रिप कर रखा है तो आप अपने हाथों का यूज़ करोगे. सबसे पहले आप चाहो तो हाथों से रैप भी कर सकते हो. दिस इज़ सेल्फ डिफेंस सिचुएशन. तो ये नॉर्मली होता है कि अगर आप ग्रिप कर लोगे, लड़कियों के नाखून होते हैं तो वो भी सामने वाले को हर्ट कर देगा. एंड नेक्स्ट सिचुएशन इज़ कि आप यहाँ से अपने हाथ का, मान लो मेरे को ऐसे पकड़ रखा है किसी ने, यहाँ से थोड़ा सी जगह बनाई हिट, इस चीज़ का यूज़ करो हिट एंड गेट बैक. तो ये बेसिक से सिचुएशन है. एंड अब कॉम्बिनेशन में हो सकता है अटैक, कभी भी सिंगल अटैक नहीं देना है. ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप अटैक दे रहे हो डोंट गो फॉर अ सिंगल अटैक. अच्छी बात है सामने वाला थोड़ा आपको स्पेस मिल रहा है कि वहाँ से भाग जाने का, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन कोशिश करना है कि जब भी आप नी अटैक दे रहे हो तो साथ के साथ एल्बो अटैक, सो यू कैन डू. सामने वाला ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो आप यहाँ से एंड अटैक. तो टोटली बट डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, बट बेसिकली आपको नी अटैक देना है, किक देना है. एंड नेक्स्ट वन इतनी क्लोज ग्रिप है, यहाँ से अपने हाथों का यूज़ करो, पाम का यूज़ करो हिट, और या फिर आप लास्ट में ग्रिप कर सकते हो. ये कुछ बेसिक ग्रोइन अटैक है जिनका यूज़ कोई भी कर सकता है. नाउ अभी ये मैसेज है स्पेशली बॉयज़ के लिए. हम मानते हैं कि हमेशा ही लड़के कल्प्रिट नहीं होते हैं और हमेशा ही लड़कियां इनोसेंट नहीं होती है. कभी कभार कुछ लोग अपने ईगो इश्यूज में आके वॉयलेंस शो करने की कोशिश करते हैं, इवन लड़कियां बॉयज़ को हर्ट भी कर देती है ये सोच के कि वो लड़कियां हैं तो उन पर कोई एक्शन नहीं होगा. तो अगर आप
बॉयज़ आप उस सिचुएशन में, कोई लड़की आपके साथ में वायलेंस करने की कोशिश कर रही, तो आपको बेस्ट वे क्या है, तो आपके लिए बेस्ट वे क्या है कि आप उस टाइम पे आप ये नहीं करोगे कि आप सामने वाले को रोकने की कोशिश करो तो आप उसके वीक पार्ट पे हिट कर दो या फिर बहुत ज़्यादा हार्श अटैक उसको दे दो। सेल्फ डिफेंस मतलब मेबी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि लड़की आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही, तो आपको लाइक अगर आपका काम एक पुश से भी हो रहा है तो आपके लिए जरूरी नहीं कि आप उसको बहुत ज़्यादा हिट करो या फिर हार्श अटैक दो। जस्ट एक सिंपल सा कुछ दो, उसको दूर करो, उस सिचुएशन से बाहर जाओ और बेस्ट पे आप पुलिस की हेल्प। ऐसे दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। डू शेयर इट विद अदर्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल नाउ, और अगर आप पुराने भी हो और मेरी वीडियोस देख रहे हो और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए भी सब्सक्राइब करना उतना ही जरूरी है जितना नए बंदों के लिए। तो प्लीज़ गाइज अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टा ID इज amandeep.rajput.75। वॉन्ट टू ज्वाइन माई लाइव क्लासेज, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू वॉन्ट टू ज्वाइन एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू बाई माई। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। बाय बाय।